गाइस कैसे हैं। तो आज की इस वीकली क्विज में हम आपको बताएंगे कि नया किस्म का कोरोना वायरस दुनिया के सामने आ चुका है। यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 900 अरब डॉलर का पैकेज मंसूख कर दिया है और दुनिया ये अब कहना शुरू हो गया कि 2028 तक जो चाइना है वो अमेरिका को पीछे छोड़ के वर्ल्ड नंबर वन इकोनॉमी बन जाएगा और ऐसी बहुत सी खबरें और बहुत कुछ। ये जो नए किस्म का जो वायरस आया ना, नाम तो कोई नहीं दिया, पर आप ये कह सकते कि कोरोना वायरस म्यूटेट हुआ है। और अभी देखिए, पिछले साल कोरोना वायरस आया वो 2020 ले गया, अब 2020 क्योंकि वो तो देखें, मैं आपको इतना पागल कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान में समझा कि 2019 में कोरोना वायरस आया था और वो मतलब शुरू में इतना नहीं फैला जितना वो 3-4 महीने बाद फैला। अब 2020 आ गया, साल मुकम्मल हो गया, अब वो दोबारा म्यूटेट हुआ। अब 2019 का जो कोरोना वायरस था वो 2020 के लिए था और जो 2020 का नया कोरोना वायरस था वो 2021 के लिए होगा। फिर ये साथ ही तो चलता ही रहेगा भाई। पहले चाइना के अंदर से निकला था, उसने काउंटर कर लिया, अब इंग्लैंड ने किया है, बाजार लग तो ना कि इंग्लैंड काउंटर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही कि जो बरतानिया की जो मैशत है वो लॉकडाउन होने के बावजूद उसकी जो मैशत है वो भारत से ऊपर आ गई। अब ये देखें ना, ये तो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है, उनकी जो रॉयल फैमिली है वो कैसे अहकाम करते हैं, क्या वो कुछ करते हैं, या जो बोरिस जॉनसन है जिसने ब्रेक्जिट कर लिया और बिल्कुल ही अलग थलग होना शुरू हो गया। जो अल्लाह बचाए इस कोरोना वायरस की नई एग्जाम से। और एक और चीज़, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, यहाँ पे इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, हम छोटे छोटे मसाइल पे हैं, स्कूल खोलना कि नहीं खोलना, ये करना कि वो नहीं करना, ये करना। ओ भाई, यहाँ पे जान की पड़ी हुई है, आपको तालीम की पड़ी हुई है, यहाँ पे बंदे मर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कभी भी हमें कोरोना वायरस हो सकता है, कभी भी हमारा कोई फर्द हॉस्पिटलाइज हो सकता है, 14 दिन क्वारंटीन के बाद उसको कुछ ना कुछ हो सकता है। हम तो ऐसे घर से बाहर भाग रहे हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं, बल्कि हम कोरोना वायरस से कहते हैं खेलना चाहते हो तो नहीं, खेलना चाहते हो तो खेलो वरना भाग जाओ। अच्छा मेरे भाई, एक दुखी खबर है, अरब तबाह हो चुका है। और वैसे तबाह नहीं हुआ, पॉलिटिकल लिहाज से, ज्योग्राफिकल लिहाज से, जहनी लिहाज से वो तबाह हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। ये जो आपका जो मोहम्मद बिन सलमान जो बैठा हुआ है, इसको कुछ पता भी क्या कर रहा है? ये इसका पूरा जहन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये क्या कर रहा है, कुछ समझ आ रही है? ये करना क्या चाहता है? ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़े मारना शुरू हो गया है। तो मैं ऐसे भी मानता हूँ कि क्यों अपने मुल्क को तबाह कर रहे हो, और दीगर जो अरब कंट्रीज हैं, जो कि कुछ अफ्रीका में भी हैं, कुछ गल्फ में भी हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुने, मैं भीख मांग रहा हूँ, ऐसा ना करें, मुल्क तबाह हो जाएगा आपका। आपके पास कौन से कोई न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि आप इसराइल को काउंटर कर सकते हैं, या आपकी कोई वर्ल्ड क्लास फौज है जो बिना मिसाइल के भी इसराइली फौज को काउंटर कर सकते हैं? और भाई वो आपके जहन पर सवाल हो गए हैं। ये जब इंग्लिस्तान हमारे इधर आया था मैं कब्जा करने, उसने सबसे पहले हमारी जुबान पर अबूल हासिल की, अपनी जुबान यहाँ पे मुतारिफ करवाई, और फिर उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पे थोपा, हमारा कल्चर बंद कर दिया। धावा नहीं बोला उसने, इराम नाम से किया, अपनी जुबान राइज की, उनकी जुबान छीनी, अपना वहां पे ट्रेंड किया और जहां से निकला। और इससे पहले उसने दोस्तियां लगाई, ये उसने पहले यारियां लगाई, दोस्तियां लगाई कि यार ये हमें अपना भाई माने, दोस्तियां यारियां लगाई। भी मांगता हूं इस तरह ना करे, मुल्क तबाह जाएगा। हमें क्या, हम अपना मुल्क चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चलेगा, अल्लाह करे पाकिस्तान की मुसीबत खड़ी और दुनिया को एक फर्म स्टैंड दे और मुसलमानों को एक नया मुल्क मिले रहनुमा के तौर पर जो कि पूरी इस्लामिक दुनिया को रिप्रेजेंट करे। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान करे। अच्छा आपने जो इसराइली जो फ्लाइट है वो फर्स्ट टाइम मराकेश, मोरक्को, जो आपका अफ्रीका उसका जो अपर साइड है, इसराइली तरह यहाँ पे लैंड कर गया, यहाँ पे मुकम्मल, बल्कि लैंड नहीं किया, खुद उतरा, अपने कदम रखे, चला मराकेश के जो सदर या वज़ीर आज़म जो भी है उनका हाकिम, उनसे मुलाकात की और अपने जो रिलेशन से वो मजबूत कर दिए। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि तुर्की ने भी किया, मैं आपको बताता हूँ ये जो तुर्की आज कह रहे हैं, तो आप सोचिए इसको क्या कहने की जरूरत है, इसे तो आगे किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, जब तुर्की ने इसराइल को तस्लीम किया तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं था नंबर वन, बाद यहाँ पर था, वो एक सेकुलर रियासत थी, वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहती थी, तुर्की सेकुलर मुल्क था उस टाइम, यूरोप बिल्कुल यूरोप का छोटा सा हिस्सा बन गया था तुर्की, मतलब शराब बार वाला कैफ वगैरह वगैरह। ये तो बाद में जब तैयब अरदोगान आए, इसने इस्लाम की तरफ रागिब करते गए तुर्की इस्लाम की तरफ आ रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी, अब ये नहीं समझे कि अरदोगान और ये जो आपका जो नेतन्याहू इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, नहीं, इसकी कोई दोस्ती नहीं है। ना से इस साल कोरोना वैक्सीन जो आई है, जो कि अभी तक समझ रहे हैं कि कई जगह पे मौसर साबित हुई है और कई जगह पे नहीं, वो
दुनिया के माइंड कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये सिर्फ एक हंगामा या आप कह रहे हैं बहुत बड़ा काम नहीं हुआ ऐसा, इससे बड़ा भी एक काम हो, वो क्या जुपिटर और सैटर्न ये दोनों आपस में आए हैं, मतलब टकराए नहीं, खुदा ना खासा अगर टकराए जाते दो बड़े सितारे इस सोलर सिस्टम के, दो बड़े सितारे जुपिटर और सैटर्न अगर खुदा ना खासा दोनों टकरा जाते तो कुछ भी हो सकता था, अर्थ जो हमारी जो अर्थ है जमीन इसको भी कुछ हो सकता था, इतने बड़े बड़े प्लैनेट है यहाँ पे, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये हमेशा 400 साल बाद होता है, मतलब जब ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं तो ये एक टाइम पे अपने बिल्कुल यहाँ पे आ जाते हैं पास, लेकिन ये दो जो गैप आप देख रहे हैं इसमें भी लाखों करोड़ों किलोमीटर है, क्योंकि हम खुद इतने पिद्दे से इंसान का जो आप कर लें वो तो इस हिसाब से 0.00001 × 10⁻¹⁰ लाख है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि वो रेयर है, देखने रेयर चीज़ें देखने में मज़ा बड़ा आता है कि अगर लेट्स सपोज एक है कि मार्स और आपका जो हमारी जो जमीन है वो एक टाइम अगर वो रिवॉल्व करते करते बिल्कुल आस पास आ जाए कि हम अगर थोड़ा सा भी टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो हमें दिख जाए। लेकिन 2020 में तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी अनहोनी भी, और 2021 का साल अल्लाह करे अच्छा हो, लेकिन जो नई वबा आई है और अगर इसको पीछे से देखें थोड़ी सी इधर उधर की हंगी फेंकी लग रही है। पाकिस्तान को $526 मिलियन मिले हैं G20 की तरफ से, डेट पैक कर्ज है, इस मुल्क में आगे कम कर्जे हैं जो कि आगे कर्जों पर चल रहा है, तो मुल्क आगे कर्जों पर चल रहा है, इतने संगीन हालात है। अल्लाह करे इस मुल्क का कुछ हो, अल्लाह करे इस मुल्क का कुछ हो, कुछ हो इस मुल्क का, इस मुल्क को उसके पैरों पर एक दफा खड़ा होने दे, फिर देखे भागेगा ये क्या फ्यूचर बनता है। जो इमरान खान ने कहा था कि जो G20 के ममालिक अमीर तरीन है वो गरीब लोगों का बिहार, जो आपके जो US सदर इस टाइम बैठा हुआ है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो इनकी जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा कि हम 900 अरब, 900 अरब का मतलब है 9 खरब, ये तो बहुत बड़ी एक वैल्यू है, ये अगर ये पाकिस्तान को तो पाकिस्तान 2 मिनट में तरक्की कर ले। लेकिन आपका जो पता है डोनाल्ड ट्रंप जी जो वैसे हर बोंगी जी जो सिग्नेचर करने में सबसे आगे हैं, उन्होंने इस चीज पे सिग्नेचर नहीं की, उनका अपना तरफ आया, वो कहते कि जो बाइडन ने किया, फिर वो कहते कि इसमें देखिए ट्रंप पागल, वो कहते कि जो बाइडन ने किया, जब कौम ने अब उसको घास नहीं दे रही, ना उसका मीडिया उसको घास दे रहा है ना उसकी आवाम उसको घास दे रही है, तो पहले उसने ट्रंप वो जो बाइडन को बढ़कर दफा कर दिया था, जब अब वो अपनी गैर क्योंकि उसको पता चल गया कि मैंने झूठ बोला। अब क्या हो रहा है, अब वो ये कह रहा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा है, फजूलियात है, ऐसी चीज़ें कि जो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई मुझे आप एक बात बताओ, आप अगर इस पर थोड़ा सा भी फजूलियात या अपनी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, मतलब लेट्स सपोज आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, अगर आप तो वैसे भी वर्ल्ड नंबर 1 मुईशत है 21 ट्रिलियन GDP के साथ, तो आप तो बस आसानी कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे तो हैरानी हो रही है मुझे, तो आज जो बोल रहे जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है कि वो जो हमारे जो टैक्स होंगे जो अभी जो इलेक्ट्रिक कार जो नहीं आ रही जो कि आगे फ्यूचर ही आपका इलेक्ट्रिक कार पे, उस पर जो टैक्स है उसमें बहुत बड़ी टैक्स एग्जेम्पशन कर दी उन्होंने, यानी कि उन्होंने टैक्स की मालिक पे बहुत बड़ी छूट दे दी, हमें इतनी बड़ी छूट दे दी कि हम वैसे छूट गए हैं, अब हम तेरी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आगे हमारा एनवायरनमेंट खराब है, अब आप फ्यूचर ही देखें इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक कार का फायदा क्या है, माहौल आलूदा नहीं होगा, नुकसान क्या है, नुकसान ये कि ये 1 से 2 सीटों पे मुश्तमिल होना और इसको बार बार चार्ज करना पड़ेगा, और 2 ज्यादा सीटों पे ये कर नहीं पाएगा। लेट्स सपोज एक फैमिली जिसमें 10 अफराद हैं, पता है फिर क्या होगा, 11 गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, हर बंदा एक गाड़ी में बैठेगा अपने सामान के साथ, और आगे मैंने ये भी देखा है कि 2030-35 तक ये साइकिल्स भी खत्म हो जाएगी, क्या होगा, एक साइकिल होगी वो भी इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रही हो, चाहे तो वैसे ही था कुछ इलेक्ट्रिक पे लेकर तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आएंगी जो बच्चों को दी जाएंगी और वो इलेक्ट्रिक के साथ चलेंगे, मतलब हमारी सेहत पे इतना, और कह रहे हैं कि खुद से गाड़ियां चलेंगी, मतलब इतने भी क्या ऐसे बन गए, थोड़ा सा हाथ पैर नहीं ला सकते क्या, इतने कमजोर हो गए हो। एक मैंने डोरेमोन की फिल्म देखी सैपी, उसमें वो ना एक कैप्सूल के अंदर बैठा होता है, वही हमारी सिचुएशन हो जाएगी, ये आप अपनी सेहत पे, फिर वही फिर उन्हीं लोगों की सेहत होगी जो स्पोर्ट्समैन है, जो खेलते हैं कूदते हैं विकेट लेते हैं फुटबॉल खेलते हैं हॉकी क्रिकेट बैडमिंटन। चाइना ने अगेन एक एडिशनल लोन हमें दे दिया है $6 अरब यानी कि $6 बिलियन का, क्योंकि यहाँ पे हम एक अमल वाला मनसूबा बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है जो कि आपका मतलब चाइना या रशिया से स्टार्ट होगा, फिर वहां से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से तेहरान, ठीक है, कुछ कहते हैं ताशकंद से स्टार्ट होगा, कुछ कहते हैं मास्को से होगा, तो जहां से भी होगा रशिया चाइना पाकिस्तान ईरान और फिर तुर्की तक जाएगा, तुर्की से आगे वो जो ये बहुत बढ़िया चाइना का, ये चाइना को, चाइना तो क्या करना चाहता है, चाइना चाहता है कि ये जो तीन बड़े आजम है ना एशिया यूरोप और अफ्रीका, तीन आपके जो हैं, ये आपके जो तीन हैं, इसको चाहता है कि वो एक डब्बे के अंदर बंद कर,
सड़कें बना बना के डब्बे के अंदर बंद कर दे ताकि आराम से तजारत करे। और इस तजारत का रास्ता पूरी दुनिया की तजारत के रास्ते एक वाइट पाकिस्तान में दूसरा कोई है नहीं, आप लिख के दे दे। लेकिन इतने कर्जे भी नहीं लेने के जब एक टाइम आए कि पाकिस्तान ने दुनिया के कर्जे उतार दिए, अब चाइना का कर्जा उतारना है। मतलब आप पाकिस्तान सारी जिंदगी में ज्यादा कर्जे उतारते उतारते क्यामत आ जाएगी कि पाकिस्तान कर्जे उतारता रहेगा। मैंने अपने पिछले वीकल वे एक गल की थी तो हूँ मैंने शर्म आती पी है ते गल करते हुए मेरे पंजाबी नहीं आती नहीं है। गल करते हुए मैंने इन्नी शर्म आती पई है कि साढ़े सिख पड़ा उत्थे ठंड के बच्चे मरते पाए, इन्नी ठंड लगती पई है सुबह तो रात तो शाम तो हम पता नहीं उत्थे रोटी भी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो साढ़े मुस्लिम पड़ा है तो उत्थे चले जाने तो लंगर तस्लीम कराते हैं। और मुंजी के बच्चे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गल दस मैनू, भूसा बड़ा है अपनी खोपड़ी के बच्चे ही गल पड़ी है। किसान वो किसान जो तुम्हें खाना देते हैं, वो किसान जो तुहानू खाने नू रोटी देते हैं, चावल देने हैं, फसलां उगाते हैं, तुहानू देते हैं, खुद इन्ना नहीं खाते जिन्ना शहरों नू खिलांदे हैं। तो तुसी थोड़ी शर्म कर लो, हया करो। CBER यंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीबर भी कह सकते हैं, मैं खुद से कह रहा हूँ। CBER ने एक्सपेक्ट किया है कि 2028 तक, हम अभी 7 साल है पढ़े, 2028 तक चाइना की मौशत अमरीकी मौशत को ओवरटेक कर देगी। और ये भी कह रहे हैं कि अमरीकी मौशत 10 ट्रिलियन से भी नीचे आ जाएगी। मेन आया ना कोरोना ने उसको बिल्कुल बेबस कर दिया चाइना, और चाइना ने कोरोना को बेबस कर दिया, कोरोना ने अमेरिका को बेबस कर दिया। अब इससे बड़ी बात मैं को क्या बता सकता हूँ, सारे एक दूसरे को बेबस करने में लगे हुए हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि चलो कुछ पाकिस्तान की चल रही है इकोनॉमी, पाकिस्तान खुद भी चल रहा है, उसकी मतलब केसेस भी इतने नहीं, 28 मतलब पहले 3000 आना शुरू हो गए, फिर कम हो गए अब 1700-1800 आ रहे हैं, 50-60 फिर कम हो गए। लेकिन खुशियाँ ना मनाएं, ये दोबारा पीक पर जाएगी, क्योंकि जो चीज़ शुरू होती है ना जब तक उसकी पीक नहीं आती वो नीचे नहीं आती, और पीक आने में टाइम लगता है, और पीक जब आती है तो वो एक टाइम 4-5 दिन तक रहती है। जिसका पीक आता है उसके बाद नीचे आता है। तो जब तक पाकिस्तान में कोरोना ऊपर नहीं जाएगा ये नीचे नहीं आएगा। और ये आप ये समझ रहे ना कि बस यही पीक के बाद स्कूल खोल देंगे, और भाई जब तक ये पीक नहीं आएगी नीचे बिल्कुल भी नहीं। और ये 1700 पीक नहीं है, जब स्टार्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।